हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट गेट एंड अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम पे मैं क्वेश्चंस आपके सामने यहां पे लेके आ रहा हूं प्लस स्ट्रेटजीज आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब मैं एक स्टार्ट कर रहा हूं सीरीज जहां पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा सभी ब्रांचेस को मिला के, मतलब कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं रहेगी यहाँ पे, सभी ब्रांचेस के जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। प्लस मैं आपके सामने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टाइप के वीडियोज हैं ये आईआईटी जेएम गेट और सीएसआईआर नेट स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। अगर आप टीआईएफआईआर एनबीएचएम अलग अलग एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है और उनके लिए भी मैं काम करने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करिए, राइट। सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो गेट के एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आए वो क्या है और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2021 में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपके 2021 गेट में पूछा गया था और क्वेश्चन ये है यहां पे कि कंसीडर द रो v01 एंड w20 द रैंक ऑफ मैट्रिक्स m 2vtv जहां पे v ट्रांसपोज v है एंड 3w ट्रांसपोज w वेयर द सबस्क्रिप्ट टी डिनोट्स द ट्रांसवर्स इज। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे 2v ट्रांसपोज प्लस 3w ट्रांसपोज w इज इक्वल टू 2। इसमें v ट्रांसपोज तो ये v है तो इसका ट्रांसपोज 10 आ जाएगा एंड इसके साथ v को मल्टीप्लाई करें दैट इज 10 प्लस इसमें यहाँ पे 3 ये w ट्रांसपोज तो ये 20 हो जाएगा इंटू w तो ये 20 हो जाएगा, राइट। ट्रांसपोज ऐसा आता है ना, उसको लाइक रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं हम, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसमें जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होता है 0, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, राइट। इसी टाइप से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसमें ये आएगा हमारे पास 4000, राइट, है ना। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 20 से होगा, फिर 02 से होगा, फिर 00 से होगा, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सबसे पहले मैं देखूंगा 2000 हो जाएगा एंड देन ये आ जाएगा हमारे पास 12000, देन इनको हम ऐड करेंगे तो इसमें आएगा हमारे 14000 और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइन, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइन हमारे पास रो कितनी है, एक ही है, तो इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहां पे हम सॉल्व करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुनिए, ये भी 2021 में पूछा गया और ये भी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को देखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स m शोन इन द बिलो इज, तो सुनिए ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स होगी। अब आप बोलोगे सर ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है a मैट्रिक्स 0 0 एंड b मैट्रिक्स, राइट, तो सुन इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है तो डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b के बराबर होता है। इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम जानते हैं इसका इस मैट्रिक्स कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और दोनों जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा 4-x, इसका डिटरमिनेंट होगा हमारे पास 4-x, इसमें हम जानते हैं इसकी वैल्यू -2 होगी, इसकी वैल्यू -2 होगी, ये आएगा हमारे पास 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहां पे हमारे पास दे रखा है कि a इज इक्वल टू 2503 और ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो 2 और 3 होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे और इसकी आइगन वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू निकलेगी और दोनों आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल है, देखो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, सुन यहां पे इसकी एक आइगन वैल्यू हमारे पास 2 आ रही, दूसरी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही। ये दोनों आइगन वैल्यू 1 by 1 उठा के यहां रखेंगे, जब मैं इसकी वैल्यू 2 उठा के यहां रखता हूं तो सुन यहां पे क्या आएगा, ये 2 power 4 - 5 2 power³ प्लस 6 2² प्लस 2, इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16 एंड 8 5 40 माइनस का 40 प्लस 4 6 24 24 प्लस का 2, इसमें कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ रही, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी जो आइगन वैल्यू आ रही वो 2 आ रही। अब हम 3 उठा के रखेंगे, जब 3 उठा के रखेंगे तो 3 power 4 - 5 3³ प्लस 6 3² प्लस का 2, इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे काम करो 3³ कॉमन निकाल दीजिए तो ये आएगा हमारे पास 3-5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाल दीजिए तो ये 3 बचा तो ये आएगा 27 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इसमें ये आएगा हमारे पास ये 27 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही माइनस का 2, है ना, एंड ये आएगा हमारे पास 2 × 28, राइट। इसमें 2 फिर कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 27 प्लस का 28, तो सुनिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, वापस 2 आ गई, राइट। तो
तो यहां पे इसकी वैल्यू इसको रखने पर 2i, इसको रखने पर भी 2i, दोनों इसके करस्पॉन्डिंग आगे वैल्यू 2 एंड 2 आ गई, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 क्रॉस 2 आएगा और यही इसका क्या आएगा हमारे पास डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा कि अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी अगर आइगन वैल्यू हमारे पास रिपीटेड है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स हमारे पास रियल पॉजिटिव नंबर दे रखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट, ये भी हमारे पास ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है और ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है वो क्या होती है, इन दोनों का सम कर लीजिए है ना, इनटू लैम्डा हाइट प्लस ये आएगा हमारे पास एडी माइनस बीसी राइट, ये हमारे पास इसकी क्या आती है करेक्ट। सुनिए यहाँ पे जो आई टेब है यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं इसके ऊपर है ना, 2x2 और 3x3 दोनों पे दे रखी है राइट। तो ये आएगा, ये देखिए आप इस यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर, देन इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस का ये आएगा एक्स प्लस 4 इंटू लैम्डा प्लस इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा हमारे पास 4x प्लस का 9 राइट, ये 9 आएगा क्लियर है, 4x प्लस 9 आ जाएगा क्लियर है। अब इस सुनिए हम जानते हैं कि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और इसके जो रूट होंगे वो हमारे पास आइगन वैल्यू है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रूट जो है वो रिपीटेड है राइट, मतलब रिपीटेड आइगन वैल्यू आ रही, मतलब रिपीटेड इसके रूट्स होंगे और किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी सुन, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है हमारे पास और सी की वैल्यू हमारे पास 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। सुन इसको खोलेंगे यहां पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16 माइनस का 4 इंटू 4x प्लस का 9 आएगा। इसमें थोड़ा सा इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16 माइनस का 16x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का कितना आएगा इसमें 20 इज इक्वल टू 0 हो रहा है यहाँ पे हमारे पास आई थिंक 9×36 हो रहा है और ये हमारे पास 16 आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी राइट। तो इस यहाँ पे जानते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आएगा 10x प्लस का 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टर करेंगे तो x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इस यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो एक तो 10 आएगी और एक माइनस 2 आएगी, पर भैया हमें बोला जा रहा है कि x एक रियल पॉजिटिव इंटीजर है नंबर है सॉरी, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुनिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर्स दे रखे और ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सुनिए यहाँ पे क्या करना है, इसकी आइगन वैक्टर्स को उठा के यहाँ लग दीजिए 1-1 एंड 2 एंड देन यहाँ पे ये 7 3 एक्स देन ये आएगा 2 3 1। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको डिटर्मिनेंट निकालने का नॉर्मल तरीका तो आप 10th 12th क्लास में पढ़ते हैं, एक तरीका और होता है, हम क्या करेंगे सुनिए यहाँ पे ये दोनों जो नंबर है ये दोनों नंबर उठा के मैं यहाँ लिखूंगा 2 और 1 और ये दोनों नंबर उठा के मैं यहाँ लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ सुनिए यहाँ पे ये एंड ये इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा सुनिए माइनस का 2x आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया इस लाइन में जितने भी नंबर आने को मल्टीप्लाई करिए तो 3 आएगा, इस लाइन में जितने भी मल्टीप्लाई करो 6 और 7 42 है ना, 3×2 6 7 42 42 आ रहा है राइट एंड माइनस माइनस। अब क्या करेंगे सुन, अब यहाँ पे ये लाइन खींचेंगे राइट, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, तो इस लाइन में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस का 7 आ रहा है राइट, इस लाइन में कितना आ रहा है सुन 4×3 12 आ रहा है राइट, इस लाइन में कितना आ रहा है सुन 3x आ रहा है राइट और इसकी वैल्यू 0 रख दीजिए आप है ना। इस सुन यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2x प्लस का 45 राइट, इस यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही माइनस 3 5 तो ये माइनस का 5 हो जाएगा है ना, 5 बचेगा और माइनस अंदर चलेगा है ना, और माइनस का 3x इज इक्वल टू 0, इस सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस 3x माइनस का 5x प्लस का 40 इज इक्वल टू 0, तो सुन 5x इज इक्वल टू 40, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 आ जाएगी, तो सुन बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुन लीनियर अलजेब्रा में मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, यहाँ पे जो आई टेब है यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू 5 और 10 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस राइट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास इसकी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 5 और 10 दे रखी है तो इस मैट्रिक्स की जो हमारे पास बी इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा आई की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना हमारे पास यहाँ पे इसकी एक आइगन वैल्यू 5 रखेंगे और हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो एक आइगन वैल्यू तो ये हो जाएगी, दूसरी आइगन वैल्यू में सुन यहाँ पे ए वहाँ पे 10 रखेंगे राइट, और हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये होती है, तो सुन एक आइगन वैल्यू इसकी ये होगी और एक ये होगी, सुन डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सुन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे ये बोला जा रहा कि अगर हमारे पास कोई 10x10 की मैट्रिक्स है ए और ए पावर 5 नल मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें हमारे पास ये दे रखा है कि ए पावर 5 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स राइट, ये हमें गिवन है क्लियर है।
एंड लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 10x10 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसको बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? निलपोटेंट मैट्रिक्स। और निलपोटेंट मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज होती है वो सब क्या होती है? जीरो होती है। और चूंकि ये मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास 10x10 की और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसकी मतलब 10वां आइगन वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। मतलब 0 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
प्लस आई। तो देखो ए की सभी आइगन वैल्यू जीरो और आई आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी सभी आइगन वैल्यू वन होती है राइट। तो ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर दीजिए राइट, ये आएगा हमारे पास है ना ये दसों बार हम लिख दिया यहाँ पे क्लियर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस राइट। तो हम जानते हैं इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास टोटल आइगन वैल्यू कितनी आएगी वन वन, सब जोड़ेंगे तो वन वन आ जाएगी राइट। और हमारे पास क्या बोला जा रहा है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो भैया डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर हमारे पास इसका डिटरमिनेंट निकाला मतलब इसकी जितनी भी आइगन वैल्यू उसका प्रोडक्ट, तो इसकी जितनी भी आइगन वैल्यू सब वन 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 आ रही है, वन वन का सबका प्रोडक्ट करेंगे तो वन ही आएगा, सो इज द करेक्ट आंसर क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस सुन एक और क्वेश्चन लेते हैं आपसे, ये बोला जा रहा कि इन पी एंड क्यू बी द रियल नंबर सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन देन आइगन वैल्यू ऑफ दिस एज। तो इसमें आपको अभी ट्रिक बताई थी क्या करेंगे, इसमें लैम्बडा स्क्वायर और इन दोनों का जो सम है वो यहाँ लिखेंगे याद है माइनस करके पी माइनस पी इंटू लैम्बडा प्लस यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आता है तो इसमें आएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आएगा। इसमें हम जानते हैं ये पी माइनस पी तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें वन दे रखी है, ये वन उठा के हम यहाँ रखेंगे तो इसमें लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हमारे पास क्या आएगी इसकी आइगन वैल्यूज आ जाएगी राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं राइट। इसमें मैं चाहता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें ये मैट्रिक्स दे रखी है इसका आपको रैंक निकालनी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसमें लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस देन मॉडर्न अलजेब्रा जितने भी हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल आंसर्स है डिफरेंशियल इक्वेशन है और प्रोबेबिलिटी, इन सभी टॉपिक पे मैं प्रीवियस ईयर गेट के जितने भी क्वेश्चन हैं 2021 में आए हुए वो सब मैं लाइन से अपलोड कर दूंगा। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को कमेंट करिए और कैसी ये सीरीज लग रही है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए और लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और स्टूडेंट लीनियर अलजेब्रा के अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक है तो यहाँ पे आई टेप पे जाके और लास्ट में मेरी जो प्लेलिस्ट दिख रही है यहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट गेट एग्जाम के बारे में मैंने काफ़ी कुछ कंटेंट बता रखा है कि कैसे एग्जाम देना चाहिए क्या बुक्स है क्या नहीं है राइट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है तो वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। पुराना चैनल जहाँ पर हायर मैथ्स के वीडियोस आप जाके देख सकते हैं और स्टूडेंट ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस टाइप की जो सीरीज है उसको यहाँ पे क्या करूँ कंटिन्यू करूँ। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। लास्ट में कमेंट जरूर करिए ओके धन्यवाद।